समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि प्रदेश में जानबूझकर पेपर लीक किए जा रहे हैं। ये पेपर लीक नहीं बल्कि बीजेपी का वोट लीक हो रहा है। अखिलेश यादव ने यह भी कहा कि लोकसभा चुनाव में उनकी पार्टी पूरे दमखम से लड़ेगी। बीजेपी पर निशाना साधते हुए अखिलेश ने कहा कि इस बार के चुनाव में बीजेपी को जबरदस्त हार मिलेगी। तो बड़ी खबर इस समय की यही है, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार बीजेपी पर हमलावर है, बीजेपी का वोट लीक हो रहा है। क्या कुछ कहा वो सुनवा देते हैं आपको। आरओ एआरओ की नौकरियों को लेकर के वो धरने पे बैठे थे, वो री एग्जाम की मांग कर रहे थे। उन्होंने प्रशासन ने सरकार ने दबाव बनाया, लेकिन मैं बधाई देता हूँ छात्र नौजवानों को जिन्होंने री एग्जाम करा कर ही अपना आंदोलन खत्म किया है। ये कैसी सरकार है जिसमें हर पेपर लीक हो रहा है? ये पेपर लीक नहीं हो रहा है, ये सरकार जानबूझ करके लीक कर रही है। उत्तर प्रदेश में सफाया होने जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। प्रत्याशी बहुत जल्दी घोषित हो जाएंगे और चुनाव की तारीख आते आते जनता भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार मिलेगी। क्या बसपा के साथ भी गठबंधन हो रहा है? क्या गठबंधन बहुत हो चुके हैं, अब मैदान में लड़ाई में जा रहे हैं।